आज मोहम्मदी विधानसभा में रामलीला ग्राउंड में मौजूद हूँ और आज अमित शाह जी का आगमन था। इसके साथ हमारे पीछे मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं जो वर्तमान में भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। तमाम बातें हम विधायक जी से वार्तालाप करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहे जो बीते 5 सालों में नहीं रहे और इस बार मेन प्रतिक्रियाएँ क्या हैं, बताइए। विधायक बनने के बाद इन 5 वर्षों में जो काम मैंने किए वह 20 वर्ष के कालखंड पे भारी हैं। चाहे वहाँ 5 पावर हाउस हों, चाहे शाहजहानपुर गोला सड़क हो, ऐसे तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हो और 750 किलोमीटर सड़क अपनी विधानसभा में बनी। विधायक ने इससे ऑक्सीजन प्लांट लगाया और दोनों हॉस्पिटल्स में एक्सरे मशीन नहीं थी, वहाँ एक्सरे मशीन भी दी हैं। अपने जंगली नाथ बाबा पे 50 लाख रुपये से सौंदर्यीकरण कराया है। ऐसे बहुत सारे काम जो इस बार पूरे किए हैं और अगले आने वाले 5 वर्ष में जो हमारा एक सपना है कि मोहम्मदी जिला बने, इसकी पतलावली शासन के पास विचाराधीन है। अपने यहाँ अग्निशमन केंद्र की पतलावली शासन के यहाँ विचाराधीन है, कंप्लीट फाइल है। अपने यहाँ पोस्टमार्टम हाउस, इसकी भी पतलावली शासन के यहाँ विचाराधीन है, सारी औपचारिकताएँ पूर्ण हैं। अपना जेबीगंज नगर पंचायत बने, इसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर के शासन के यहाँ विचाराधीन है। अपनी उचौलिया चौकी थाना बन जाए, इसकी भी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होकर के वहाँ पे लंबित है, विचाराधीन है। तो यह सारी जो विचाराधीन है यह सब निश्चित रूप से मैं 5 वर्ष में कराने का प्रयास करूँगा। और इसके अलावा जो 5 पावर हाउस बने हैं, इसके अलावा अन्य 5 पावर हाउस हमने प्रस्तावित किए हैं, कोशिश करूंगा कि वह भी 2 साल के अंदर बन जाएं। अगर मैं उनको बना ले गया तो उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा होगी जिस विधानसभा में 13 पावर हाउस होंगे, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक सवाल है, इस विधानसभा इस बार 2 मुस्लिम प्रत्याशी सामने हैं, बसपा से भी सपा से, तो कितना टक्कर का चुनाव आपको लग रहा है इस बार? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का विजय की ओर है और अब मैं दावा कर रहा हूँ कि 70,000 वोट से कम नहीं जीतूंगा, निश्चित रूप से 70,000 वोट से जीतूंगा। सपा बसपा जी दूसरे और तीसरे के लिए लड़ेंगी, नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।